नमस्कार, मैं हूं पेंटर। मैं मुकेश शर्मा को दिली बधाई देना चाहता हूं YouTube चैनल शुरू करने के लिए, जिसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, हमारे मुकेश शर्मा है ही अनोखे। यकीन मानिए, मैं उन्हें 35-40 साल से जानता हूं, और जहां जहां उन्होंने काम किया है, चाहे वो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी हो, फिल्म्स डिवीजन हो या दूरदर्शन हो, अपने अनोखे अंदाज को बरकरार रखा, और इसी अनोखे अंदाज की वजह से हर जगह उनका परचम लहराया। इसके साथ साथ एक बात उनमें बहुत खास है, और वो ये है कि वो दिलों के सौदागर हैं। जो बात करते हैं दिल से करते हैं, इसीलिए उनकी हर बात जो दिल से निकलती है दिलों को छूती है। तो आइए इस दिलों के सौदागर यानी मिस्टर अनोखा नहीं ये भी नहीं यानी मिस्टर मुकेश शर्मा के इस चैनल को देखें और उन्हें और बढ़ावा दें और एनकरेज करें और इंस्पायर करें कि वो आप सबके सामने अपने दिलों की बात कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अनोखी कहानियों से भरे इस अद्भुत चैनल पर एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी है एक कंजूस और 100 सोने के सिक्कों से भरी थैली की। एक बार एक कंजूस ने अपनी 100 सोने के सिक्कों से भरी थैली को कहीं खो दिया। वो उसकी सारी जमा पूंजी थी। उसने अपनी थैली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन मिली नहीं। वो इस नुकसान से इतना परेशान हो गया कि उसने जीवन में सभी चीजों की रुचि खो दी। उसने भोजन करना बंद कर दिया, उसे भूख लगनी बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद वो इतना कमजोर हो गया कि उसने घर से निकलना भी छोड़ दिया। एक सहानुभूति रखने वाले दोस्त ने उसके खोए हुए सोने के सिक्कों की खोज के लिए एक इनाम देने की सलाह दी। कंजूस इस सुझाव को मान गया। उसने एक नगर सेवक को बुलाया और उसे नगर में घोषणा करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति उसकी खोई हुई सोने की थैली ढूंढ निकालेगा उसे सोने के 10 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ठीक है साहब। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा किसान कंजूस के पास उसकी खोई हुई 100 सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर आया। कंजूस ने थैली खोली और अपने सोने के सिक्के गिने। वो पूरे 100 थे। उसने किसान को धन्यवाद दिया। जब किसान ने कंजूस से अपने इनाम की मांग की तो कंजूस बोला, तुम तो पहले ही अपना इनाम ले चुके हो। थैली में 110 सोने के सिक्के थे, इसमें अब केवल 100 ही बचे हैं। तुमने देखा था ना, अभी मैंने तुम्हारे सामने ही गिने थे। कंजूस की इस मक्कारी से किसान नाराज हो गया और उसने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश ने कंजूस को बुलाया और उसे आरोप का जवाब देने के लिए कहा। कंजूस ने वहां भी वही जवाब दिया जो उसने किसान को दिया था। तब न्यायाधीश ने कंजूस की 100 सोने के सिक्कों से भरी थैली की निरीक्षण की, उसकी जांच की अच्छी तरह, और फिर अपना निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने कहा, मैंने थैली को अच्छी तरह से जांच परख करके देखा है, इसमें केवल 100 सोने के सिक्के आ सकते हैं। चूंकि कंजूस के अनुसार उसकी थैली में 110 सोने के सिक्के थे, इसलिए यह थैली उसकी हो ही नहीं सकती। लिहाजा यह थैली किसान को दी जाती है, क्योंकि किसी और ने इसका दावा भी नहीं किया है। कंजूस के काटो तो खून नहीं, जो बोया था वही काट रहा था। चौबे जी छब्बे बनने गए और दुए बन के लौटे। कहानी खत्म। क्या सबक दे गई ये कहानी? आप जैसी फसल बोएंगे वैसे ही आपको काटनी होगी। वादा करके मुकर जाना न्यायोचित नहीं होता। कल फिर सुनेंगे एक और कहानी अनोखे अंदाज में। उम्मीद है चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे नई कहानियों के अलर्ट्स के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।